एवरीवन, वेलकम टू आजकल की लाइफस्टाइल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा DIY वॉल क्लॉक, जिसे हम बनाएंगे इपॉक्सी रेजिन की हेल्प से। वॉल क्लॉक बनाने के लिए हमें चाहिए MDF बोर्ड का, इसकी जगह आप वुडल पैनल या फिर कैनवस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए रेजिन, कुछ डिस्पोजेबल कप्स या कोई भी डिस्पोजेबल यूटेंसिल जिसे हम बाद में डिस्कार्ड कर सकें। कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स रेजिन को मिक्स करने के लिए क्लॉक मशीन, या आपको नॉर्मली किसी भी क्लॉक शॉप पे 80-90 रुपए का मिल जाएगा। कुछ एक्रेलिक कलर, ग्लव्स, मेजरिंग कप या इस तरह की मेडिकल कैप्स का भी यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। फिर चाहिए हीट गन। मैं हीट गन की जगह पे हेयर ड्रायर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास हुक्स हैं तो आप हैंग करने के लिए हुक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जूट ड्रॉप की हेल्प से भी हैंग कर सकते हैं। हमें चाहिए सैंड। अगर आपके पास सैंड नहीं है तो आप इसकी जगह पे बीच लुक देने के लिए गोल्डन एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाइट देने के लिए हमें इस तरह के किसी बॉक्स का यूज़ करेंगे। क्लॉक मशीन फिट करने के लिए पहले हम सेंटर में एक होल कर लेंगे। होल करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रिल मशीन का। होल करने के बाद एक बार चेक ज़रूर कर लें मशीन फिट हो रही है या नहीं। अब हम रेजिन को मिक्स करेंगे। इपॉक्सी रेजिन बेसिकली एक केमिकल होता है। इसमें दो कंपाउंड होते हैं, एक क्लियर रेजिन और सेकंड होता है हार्डनर। दोनों को मिक्स करने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसके बाद वो ड्राई होने के बाद एक सॉलिड प्लास्टिक फॉर्म ले लेता है। रेजिन को मिक्स करने के लिए रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड के अकॉर्डिंग सबका रेशियो अलग अलग होता है, लाइक 3:1, 2:1 और 1:1 रेशियो बॉटल पर मेंशन होते हैं। बॉटल के इंस्ट्रक्शन को ज़रूर पढ़ें एक बार ध्यान से, रेशियो के अकॉर्डिंग मिक्स करें। उसके बाद रेजिन यूज़ करते टाइम प्लीज़ 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 ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो आपके हाथों में बर्निंग सेंसेशन हो सकता है और इसको क्लीन करने में भी बहुत दिक्कत आती है। मेरे रेजिन का रेशियो है 2:1। मैं इसी अकॉर्डिंग रेजिन और हार्डनर को लेकर मिक्स कर लूँगी अच्छे से। रेजिन को मैं मेरे बॉटल पर 3 मिनट मिक्सिंग लिखी हुई मेंशन थी, तो मैं इसे अच्छे से 3 मिनट तक मिक्स करूंगी। उसके बाद 1 मिनट के लिए बबल रिलीज़ होने के लिए छोड़ दूंगी। अगर आपके रेजिन में बबल अपने आप रिलीज़ नहीं होते हैं तो आप किसी बोल में वॉर्म वाटर डालकर मेजरिंग कप को आप उसमें डिप कर दें। ध्यान रहे उसमें रेजिन के अंदर पानी ना जाए। अब मैं कप्स में थोड़े थोड़े एक्रेलिक कलर लेकर रेजिन को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। कोशिश करें यहाँ पर अगर ट्यूब वाले एक्रेलिक कलर यूज़ करें तो बेटर है, क्योंकि ट्यूब वाले की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होती है, वो रेजिन पे बहुत अच्छा आता है। अब मैं MDF बोर्ड पर ग्लू की हेल्प से पहले सैंड पेस्ट कर लूंगी ताकि एक पीच का लुक आ जाए। सैंड पेस्ट करने के बाद बाकी जो एक्स्ट्रा सैंड था वो मैंने इसको डस्ट कर लिया है। उसके बाद मैं डार्क टू लाइट शेड रेजिन MDF बोर्ड पर पोर करती जाऊंगी। वाइट रेजिन डालने के बाद ड्रायर के यूज से एक वेव का लुक दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 वेव बना सकते हैं। इसे फिंगर की हेल्प से आराम से इस तरह से आप फैला सकते हैं।
विप बनाने के लिए ड्रायर को ऊपर से ऊपर साइड ब्लो करें ताकि उससे अच्छा वेव बने। उसके बाद अगर आपको कलर आपके अकॉर्डिंग नहीं आया तो आप दोबारा से उसे कलर पोर कर सकते हैं। जब एक बार रेजिन पोर हो जाए तो हम इसे ड्राई होने के लिए 24 आवर के लिए इसे छोड़ देंगे। अगर आप एक कोट से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप इस पर अपने अकॉर्डिंग दो या तीन कोट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप दूसरा कोट इस पर तभी करें जब फर्स्ट कोट कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अगर आप मेजरिंग कप का यूज़ कर रहे हैं तो उसे क्लीन करने का तरीका यह है कि आप जो पॉप्सिकल स्टिक यूज़ कर रहे हैं वो आप इसी में छोड़ दें। बाद में जब रिमेनिंग रेजिन ड्राई हो जाए तो आप इस तरह से इसे खींच कर निकाल सकते हैं, बहुत ईजीली ये निकल जाता है। ये रेजिन मेरा कम्प्लीटली ड्राई हो गया, बट आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, तो मैं इस पर सेम प्रोसेस से रेजिन मिक्स करके एक कोट और दूंगी। मैंने इसी तरह से टोटल तीन कोट दिए हैं। तीन कोट देने के बाद फाइनली मेरा ये क्लॉक कुछ इस तरह से निकल कर आया है। अब मैं इसके चारों सेंटर को अच्छे से इक्वली नाप के मैं यहाँ पर नंबर्स लिख दूँगी। आप चाहे तो पूरे 1 to 12 लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 12, 6, 3 और 9 लिख रही हूँ। नंबर्स के लिए आप स्टिकर्स भी पेस्ट कर सकते हैं इस पर, लेकिन मेरे पास स्टिकर्स नहीं थे तो मैंने यहाँ पर ये गोल्डन कलर के एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। स्टिकर्स आप तब पेस्ट करें जब ये रेजिन सेमी ड्राइड हो। इसी तरह के मैंने दो और क्लॉक प्रिपेयर किए हैं। सेकंड क्लॉक में मैंने वेव में गोल्डन इफेक्ट दिया है। जब ये लिखे हुए नंबर्स ड्राई हो जाए तो मैं सील करने के लिए क्लियर रेजिन की एक कोट और दे दूंगी और इसे 24 आवर के लिए ड्राई होने दूंगी। क्लियर रेजिन इस तरह से डालकर मैं एक हार्ड कार्ड कोई भी ले सकते हैं आप, उससे इसको रेजिन को अच्छे से एक डायरेक्शन में आप इस तरह से लेकर आएंगे तो वो अच्छे से फैल जाएगा और कोटिंग बहुत अच्छी होगी, कवरेज अच्छा आ जाएगा।
24 आवर बाद जब रेजन अच्छे से ड्राई हो जाए तो मैं इस जूट रोप की ब्रेड बनाकर उसे हॉट ग्लू गन की हेल्प से अच्छे से पीछे पेस्ट कर दूंगी ताकि मैं इसे हैंग कर सकूं। उसके बाद मैं इसमें क्लॉक मशीन लगा दूंगी। मेरे पास अभी एक ही मशीन हो तो मैं एक ही सेट कर रही हूँ, बाकी मैं बाद में दूसरे मशीन में भी मशीन दूसरे क्लॉक में भी मशीन लगा दूंगी। आइए देखते हैं हमारा फाइनल क्लॉक कैसा बनकर आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 हिट लाइक बटन। मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं कि आपको ये वॉल क्लॉक कैसा लगा है। डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आजकल की अंडरस्कोर लाइफस्टाइल। मेरे फेसबुक पेज है आजकल अंडरस्कोर की अंडरस्कोर लाइफस्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।